वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल। बेटा बेटा असी अज प्लस वन की कैमिस्ट्री की टॉपिक कर लगे चैप्टर है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसे असी कर लगे डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देखो असी डाल्टन के बारे थोड़ा बहुत अगे भी पढ़िया कि डाल्टन ने सानू पहले भी एक लॉ दिता सी जिन्हों से पढ़िया डाल्टन अटोमिक थ्योरी। यह उदों नालों थोड़ा जहा बेटा अलग है क्योंकि यह आता है ऑन द बेसिस ऑफ गैसीयस। ऐसी जो टॉपिक करते हैं ए ऑन द बेसिस ऑफ गैसीयस दे बारे गल करते हैं, ठीक है बेटा। ऐसे असी गैसेस बारे गल करनी है, बट पहले मैं तुहानू दो चीज़ां दस दियाँ कि असी डिफ्यूजन बारे लास्ट टॉपिक च पढ़िया सीगा। इत्थे गैसेस दी डिफ्यूजन दे रिलेटेड कोई गल नहीं करनी वैसे तो, ठीक है, जिन्हें किया जिन्हें नहीं किया कोई गल नहीं, ठीक है। देखो डाल्टन ने असी देखो सब तो पहले असी डाल्टन की लॉ की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उस तो बाद उहदी पढ़ांगे एप्लीकेशनस। डाल्टन ने की किया, एक डाल्टन ने क्या, सपोज कर लो असी एक बीकर लै रहे हैं, कंसीडर कर लो कि असी एक बीकर लै रहे हैं, लैट इट बी कोई ए बीकर है ए, ठीक है। एक ये नाल दा बीकर होर लै लैने, डिफरेंट वॉल्यूम भी लै सकते हो बट असी कोशिश करते हैं कि सेम ही लई ज़्यादा बेस्ट रहिंदा। इस बीकर का नाम रख दें बीकर बी। बीकर ए दे विच असी किसी तरह की कोई गैस रख दें, तो बीकर बी दे विच भी किसी तरह की कोई गैस रख दें। दोनों गैसेस सेम भी हो सकदियां ने, अलग अलग भी हो सकदियां, डिपेंड करता है साढ़े ते। चलो असं इस तरह करते हैं कि मान लें कि ये अंदर ए बीकर के अंदर गैस भी ए ही प्रेजेंट है, तो बी बीकर के गैस बी प्रेजेंट हैगी है। सो यदा इस टाइम बीकर के अंदर प्रेशर जोड़ा होएगा उन्होंने असी लिख लें पी नॉट ए, ठीक है। तो इस टाइम जोड़ा बी बीकर के अंदर जोड़ा बी गैस का प्रेशर होएगा असू लिख लें पी नॉट बी। सो असी की करते हैं हूँ ए दोनों गैसिज असी बिल्कुल सिमिलर वॉल्यूम वाला सेम साइज़ वाला मतलब एक बीकर होर लेंदे हैं जिदे आप ए ते बी दोनों नू मिक्स कर देने हैं, ठीक है। असी ए गैस भी पा दी ते बी गैस भी पा दी, हुण इहदे अंदर ए गैस भी प्रेजेंट है प्लस नाल बी गैस भी प्रेजेंट है। हुण इत्थे होएगा की, हुण इहदा जिहड़ा प्रेशर होएगा वह किन्ना होएगा उहनू असी लिख सकदे हैं पी ए, उन्हों सी पी ए प्लस की लिख सकते हैं पी बी, ठीक है। वेयर जड़ा साडा पी ए प्रेशर होएगा, वेयर जड़ा साडा पी ए प्रेशर होएगा हमेशा लैस दैन होएगा पी नॉट ए तो, एंड जड़ा साडा पी नॉट बी प्रेशर होएगा या पी बी प्रेशर होएगा वो लैस दैन होएगा पी नॉट बी तो, ठीक है। मतलब जेडे इंडिविजुअल प्रेशर होंगे ने हमेशा ज़्यादा होंगे ने, जो असी मिक्स कर दें उदो प्रेशर घट जाते हैं, ठीक है। बट एक चीज़ असी कह दिए कि जेड़ा टोटल प्रेशर होएगा जेड़ा इस टाइम का टोटल प्रेशर होएगा, अगर असी नू पी कंसिडर कर लें लैट इट बी पी साडा टोटल प्रेशर है, सो साडे को टोटल प्रेशर बट सेम ही होएगा। यदा मतलब असी इस तरह कह सकते हैं कि पी की वैल्यू की होएगी साड़ी पी ए प्लस पी बी, तो जे तो ही आप एक कंसिडर कर ली अगर कि साढ़े को मोल फ्रैक्शन इफ एक्स इक्वल्स टू वन है दैन इनू आप नॉट नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। यदा मतलब साढ़े को इस तरह बन गया कि जो टोटल प्रेशर आता पाया है वो साढ़े को पी वन प्लस पी टू के बराबर है या पी ए प्लस पी बी के बराबर है, ठीक है बेटा। इस केस से साढ़े को इस तरह बन गया। अगर साढ़े को दो या तीन तो ज़्यादा कॉम्पोनेंट्स हो फिर असी की करांगे, फिर असी नाल जे तीसरा कॉम्पोनेंट तो पी सी भी ऐड कर देंगे, जो चौथा कॉम्पोनेंट तो पी डी भी ऐड कर देंगे, जो कोई पंजवा कॉम्पोनेंट तो पी वी ऐड कर देंगे, तो एंड सोन चलता जाएगा, ठीक है बेटा। एदा मतलब ए साड़ी बन गई डाल्टनस की स्टेटमेंट जनरली, ठीक है। डाल्टनस ने कहा कि सम ऑफ द इंडिविजुअल प्रेशरस ऑफ ए गैसिस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल प्रेशर, ठीक है बेटा, कि साढ़े को जो टोटल प्रेशर होएगा हमेशा कल कल गैस के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होएगा, कि आप कल कल गैस का प्रेशर कि लेंगे पे हाँ। इदियाँ दो एप्लीकेशन है बेटा, इस चीज़ दियाँ दो एप्लीकेशन है एप्लीकेशन ऑफ डाल्टनस लॉ। सब तो पहली बेटा प्रेशर की एप्लीकेशन जिहड़ी है दैट इज़ अवर प्रेशर ऑफ ड्राई गैस, ऐसे इन्हें सॉल्व करना है। अगर मान लो मैं तुहानू कह दिया कि अगर असी कोई ड्राई गैस लै रहे हैं, ड्राई गैस का मतलब हो गया कि जिदे च बिल्कुल भी वाटर वेपर्स के कंटेंट नहीं होंगे, असी उदा प्रेशर मान लो सॉल्व करना हो, सो असी किस तरह कर सकते हैं।
बड़ा इजी काम है। पहले तो किसी भी गैस नू, एक चीज़ तुहानू मैं जनरली दस रहा, अगर असी किसी भी गैस नू कलैक्ट करना हो, सब तो बेस्ट वे हुंदा साडे कोल लैब दे अंदर कि ओवर किसी लीक्विड नू प्लेस किया जाए। असी मान लो एक बीकर लैके उहदे अंदर इस तरीके ना एक फ्लास्क रख दिंदे आ, यह फ्लास्क उपर पूरी प्रॉपर तरीके ना सील किया होया, ये असी एक छोटा छेद रख के पानी फिल कर दें। असी यह फ्लास्क वेच की किया पूरी तरह पानी, यह बाहर जो कंटेनर है वो अंदर भी पानी रख दें। इतों असी रख दें कोई इनलैट पाइप्स, ठीक है, जितों असी किसी गैस नू अंदर भेजना जिन्हों स्टोर करना चाहते हैं। जदों असी किसी गैस नू, मान लो साढ़े कोई ड्राई गैस है जिदे बिल्कुल कोई पानी के मॉइस्चर्स नहीं गए, ड्राई गैस मान लो कोई हैगी है, असी उन्हें इधरों भेज रहे हैं। जदों असी ड्राई गैस नू भेजेंगे, ड्राई गैस की होएगा इन दी फॉर्म ऑफ वॉपर्स, वो लगातार उपर जाके इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी इस पॉइंट पर, ठीक है। साढ़े को इतने साड़ी ड्राई गैस पहुँचना शुरू होगी जिदे करके कोई प्रैशर क्रिएट होएगा जिन्हों असी पी डी कंसीडर कर लें, जिन्हों असी बोलते हैं वेपर प्रैशर्स, ठीक है। यह साडा असल च की है, यह साडा वेपर प्रैशर है, वेपर प्रैशर, वो भी किदा वेपर प्रैशर ऑफ ड्राई गैस, ठीक है बेटा। यह साडा ड्राई गैस का वेपर प्रैशर आ गया। हुण इहदा मतलब की है, असी इहनू रखते किदे उत्ते रहे हैं, किसी लीक्विड के उपर, जदों असी इहनू इधरों दी भेजना है डेफिनेटली यह लीक्विड चो पास होकर जा रही है, मतलब इन्हें अपने नाल नाल की करना है, कुछ ना कुछ वाटर वेपरस भी मोलीक्यूल्स ले जाने ने, ठीक है। इहदा मतलब इत्थे वाटर वेपर्स दे मोलीक्यूल्स नूं असीं इस तरह शो कर दिंदे आ, इहदा मतलब वो भी जरूर होणगे, ठीक है ना। इत्थे साडे वाटर दे वेपर्स भी प्रेजेंट होणगे, इहदा मतलब जिहड़ा असीं इत्थे टोटल प्रैशर मेजर करांगे वो एक्चुअली साडा कल्ला ड्राई गैस का प्रैशर नहीं होएगा, वो नाल उहदे विच वाटर वेपर का भी होएगा। इहदा मतलब मैं इस तरह लिख सकदा कि जिहड़ा साडे कोल टोटल प्रैशर है, पी टी लैट कर लैंदे आ, टोटल वेपर प्रैशर, टोटल प्रेशर जिहड़ा होएगा वह कि बराबर होएगा कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस प्रेशर ऑफ वॉटर वेपर्स, ठीक है बेटा। कि ड्राई गैस ते वॉटर वेपर्स का जिहड़ा प्रेशर है दोनों प्लस करके साडे टोटल प्रेशर के बराबर आ रहा है। हुण इहदे केस च असी की करते हैं, साडा काम है असी इहदी वैल्यू कढ़ना, सो असी इहनू इस साइड शिफ्ट कर देने आ, साडे को पी डी ड्राई गैस का जिहड़ा प्रैशर है वह कि बराबर आ जाएगा इहदे जाके माइनस, जिहड़ा साडा पी टोटल प्रैशर है उहदे च असीं माइनस कर देंगे पी वॉटर वेपर्स, ठीक है बेटा। अगर असी ड्राई गैस का प्रैशर निकालना तो टोटल प्रैशर निकाल के उस असी वॉटर वेपर्स का प्रैशर माइनस करांगे, साडे को नैट वैल्यू आ जाएगी। जिहड़ा टोटल प्रैशर हुंदा वह तो ठीक है बेटा, टी पी टी आ गया। जिहड़ा वाटर वेपर्स का प्रैशर हुंदा वो एक चीज़ याद रख लो, इहनू फिक्स लिखिया जांदा है, इह फिक्स हुंदा है, इहनू बोलदे आ सी एक्वस टेंशन, इह चीज़ नू सी एक्वस टेंशन बोलदे आ, चाहे इहनू ए टी दी फॉर्म च लिख लो, ठीक है। कि साडा जिहड़ा टोटल प्रैशर है ड्राई गैस का प्रैशर निकालने वास्ते, टोटल प्रैशर चो एक्वस टेंशन माइनस कर दिओ, वो साडा ड्राई गैस का प्रैशर निकल आएगा, ठीक है बेटा। इस तरीके नाल असीं कर सकते।